हाय गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज एक इंडो चाइनीज रेसिपी बना रहे। स्टार्टर वाली रेसिपी है, क्रिस्पी चिल्ली पोटैटोस, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आलू के छिलके निकाल के इस तरह से लंबी चीर में काट लिया है। लंबी चीर में काटे हुए आलू को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अभी हम एक तपेले में 2 लीटर जितना पानी गर्म करेंगे, उसमें आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे। पानी थोड़ा गर्म होते ही उसमें लंबी चीर में काटे हुए आलू डालेंगे। आलू को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पानी में उबाल लेंगे। आलू को तकरीबन 30 से 40% पकाने के बाद हम इसे गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसे एक छन्नी वाले बर्तन में डाल देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो सारा निकल जाए। आलू को हम 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक बोल में डालेंगे। उबाले हुए आलू में अभी हम कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप इसमें कूटी हुई काली मिर्च जरूर डालें, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी हम इसमें आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे। अभी हम आलू को कोटिंग करने के लिए इसमें 2 से 2.5 चम्मच जितना मैदा डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर और मैदे का बैटर बना के भी इसे कोटिंग कर सकते हो। आलू के ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर का अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, उबाले हुए आलू के ऊपर इस तरह से कोटिंग होना चाहिए। अभी हम कढ़ाई में तेल गरम करके कोटिंग किए हुए आलू को फ्राई करेंगे। आलू को हम इस तरह से गरम तेल में एक एक करके डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। कोटिंग किए हुए आलू को हम 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, आलू थोड़े से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए। अभी हम इसे निकाल लेंगे। बचे हुए सारे आलू को हम इसी प्रकार गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलो, अभी आलू रेडी हो गए हैं। अभी हम चिल्ली पोटैटोस के लिए चिल्ली सॉस बनाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को तेल में चला लेंगे। अभी हम इसमें बारीक चीर में काटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को इस तरह से लंबी चीर में पतला पतला काट कर ही डालें। प्याज को भी थोड़ा सा चला लेंगे। अभी हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद शिमला मिर्च और प्याज को चलाते हुए पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच जितना डार्क सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच जितना रेड चिली सॉस डालेंगे। साथ में डालेंगे इसमें 1 चम्मच जितना टोमेटो केचप। सारे सॉस को अच्छी तरह से शिमला मिर्च और प्याज में मिक्स करेंगे। अभी हम सॉस को गाढ़ा करने के लिए 2 चम्मच जितने कॉर्नफ्लोर में 2 चम्मच जितना पानी मिला के इसकी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये तैयार हो गया। अभी हम इसे सॉस में डाल देंगे। ये देखिए, अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसमें फ्राई करके कोटिंग किए हुए आलू डालेंगे। आलू को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से सारे आलू के ऊपर हमने सॉस को अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि सॉस में पोटैटो डालने के बाद गैस को बंद कर दीजिए ताकि ये क्रिस्पी रहे। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे सफ़ेद वाले तिल।
तेल को इस तरह से चिली पोटैटोस के ऊपर छिड़क देंगे और साथ में इसे बारीक काटी हुई स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लेंगे। तो आ एक चिली पोटैटोस रेडी हो गए हैं, बहुत ही डिलीशियस और एकदम क्रिस्पी बने हैं। अभी हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको आलू पसंद है और कुछ चाइनीज स्टार्टर टाइप बनाना चाहते हो तो ये चिली पोटैटोस को आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका चिली पोटैटोस कैसे बने।